अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आज मैं आपके साथ मटन शोरबे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप ये रेसिपी ज़रूर बनाएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। इसके लिए मैंने मटन लिया है, मटन को अच्छे से वॉश कर लिया है। देखिए अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून, फिर चिली पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, सॉल्ट टू टेस्ट ऐड करेंगे, मैंने सॉल्ट 1 टीस्पून ऐड किया है, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए मटन में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं सभी पाउडर मसाले। अब हम गैस की फ्लेम को ऑन कर लेंगे, कुकर को गर्म कर लें, ऑयल ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून, ऑयल को अच्छे से हीट कर लेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म होने लगा है, अब हम इसमें कटी हुई प्याज ऐड कर देंगे 1 मीडियम साइज़। आप ये रेसिपी ज़रूर बनाएं, बहुत टेस्टी शोरबा बन जाता है। प्याज को अच्छे से फ्राई होने दें, इनको मीडियम टू लो कर दें और प्याज को अच्छे से फ्राई होने दें। देखिए प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज होने लगा है। अब हम इसमें गोश्त ऐड कर देंगे, मटन को अच्छे से मिक्स करेंगे प्याज में तेल में और चम्मच चलाते रहें और अच्छे से भूनते जाएंगे। 2 से 3 मिनट के लिए इसे भूनना है। आप ये रेसिपी ज़रूर बनाएं, बहुत ही टेस्टी सा शोरबा बनता है ये। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। देखिए अब हम इसमें कटे हुए टमाटर शामिल कर देंगे 1 से 2। गैस की फ्लेम को लो कर दें और टमाटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे मटन में, चम्मच चलाते रहेंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। आप ये शोरबा रोटी और राइस के साथ सर्व करें, बहुत ही टेस्टी और यम्मी सा लगता है, बहुत ही मज़े का होता है। आप ज़रूर बनाएं ये रेसिपी, ट्राई करें। देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है, अच्छे से भून चुका है गोश्त भी। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, 1/2 कप पानी ऐड कर देंगे और लीड लगा देंगे। हाई फ्लेम पे 1 से 2 विजल आने देंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पे 5 से 6। देखिए शोरबा तैयार है, अब हम इसको सर्व कर देंगे या गार्निश कर देंगे धनिया के साथ। आप इसको रोटी और राइस के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही यम्मी सी रेसिपी है। ऐसे ही टेस्टी सी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।